हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जो सैनिटाइजर स्प्रे टनल है गाइस, उसमें एक प्रॉब्लम आती है जो कि सेंसर कौन सा लगा है। सेंसर तो बहुत सारे वैरायटी के, आईआर सेंसर है, फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है, अल्ट्रासोनिक सेंसर है, लेकिन कुछ कुछ सेंसर की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और मोशन सेंसर भी बहुत ही अच्छा है। कुछ ऐसे सेंसर है जिसमें प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, जो कि अल्ट्रासोनिक सेंसर, उसमें प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। कुछ लोगों को प्रोग्रामिंग करना नहीं आता, तो गाइस ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर स्प्रे मशीन जो आरओ फिल्टर से बनाते हैं गाइस, बहुत सारे लोग बना रहे, तो उसमें जो सेंसर यूज होता है वो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर यूज होता है, तो वो बहुत सारी जगह पर अवेलेबल हो चुका है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है उसे ही यूज करके आज जो हमारा सैनिटाइजर स्प्रे टनल बनाया था गाइस, तो उसमें इंस्टॉल करेंगे। तो सेंसर का पूरा कनेक्शन कैसे करें और वो कैसा चलेगा, तो इसीलिए आपको ये पूरी वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको ये समझेगा। तो मैं हूँ प्रमोद और आप देख रहे हैं समर्था टेक्निकल। तो चलिए वीडियो शुरू करते। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर, जो कि ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर स्प्रे मशीन जो है उसमें बहुत ही यूज हो रहा है गाइज। इसमें एक लाइट रहता है और एक नॉब रहता है, जिससे आप इसका जो डिस्टेंस है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। और इस सेंसर को चलाने के लिए आपको 10 वोल्टेज के ऊपर वोल्टेज देना पड़ेगा और 30 वोल्टेज के अंदर देना पड़ेगा, तभी ये आपका अच्छे से काम करेगा और तभी चलेगा। सेंसर का जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा उससे तो हम डायरेक्ट लोड नहीं चला सकते, तो इसीलिए हम एक रिले यूज करेंगे, जो कि 12 वोल्ट का रिले देख सकते हैं आप। इसके जो 12 वोल्ट की दो वायरिंग दिख रही है आपको, मैंने जहाँ पे पकड़ा है, और दो एसी सप्लाई जहाँ से हम ऑन ऑफ करेंगे। उसके लिए रिले को चलाने के लिए 12 वोल्ट चाहिए, तो इसके लिए 9 वोल्ट की दो बैटरी लिए, उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसका 18 वोल्ट बन जाएगा, तो उससे हमारा रिले भी ऑन हो जाएगा और हमारा सेंसर भी काम करेगा। बैटरी की जगह आप 12 वोल्ट का अडाप्टर यूज कर सकते हो, और एक 12 वोल्ट का पंप लिया हमने। ये जो हमारे पास सेंसर है वो NPN सेंसर है, देख सकते हैं। इस सेंसर की तीन वायर निकलती है, जो ब्राउन है वो पॉजिटिव, जो ब्लू है वो माइनस, और जो ब्लैक दिख रही है वो कॉमन, मतलब उससे सिग्नल आउटपुट मिलेगा हमें। तो अभी बैटरी कनेक्टर और सेंसर के कनेक्शन कर लेंगे। तो जो बैटरी का हमारा पॉजिटिव रहेगा, जो कि कनेक्टर का पॉजिटिव रेड वायर है, वो ब्राउन सेंसर का जो ब्राउन वायर है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, और जो बैटरी कनेक्टर का जो ब्लैक वायर है वो जो सेंसर का ब्लू वायर है गाइस, तो उसके साथ कनेक्ट करना है, जो कि निगेटिव रहेंगे हमारे। रिले की वर्किंग जान लेते हैं पहले। तो देखिए रिले कुछ इस तरह काम करता है। ये 12 वोल्ट की कॉइल है, कॉइल आपको दिखाई दे रही है 1-2 नंबर की, और उसे 12 वोल्ट का सप्लाई देना है, और वो सप्लाई सेंसर के थ्रू जाएगा, और जब हमारा सेंसर कुछ डिटेक्ट करेगा तभी ये हमारा जो रिले वो ऑन होगा, और जो NC दिख रहा है नॉर्मली क्लोज वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो हमारा AC सप्लाई यहाँ पे हम देंगे, तो इस वजह से हमारा AC सप्लाई ऑन हो जाएगा, और जैसे ही सेंसर के सामने से कुछ हट जाता है तो हमारा रिले ऑफ हो जाएगा, तो वापस जो NO था वो NC हो जाएगा, मतलब नॉर्मली क्लोज हो जाएगा। तो अभी रिले के कनेक्शन कर लेंगे। तो रिले को ऑन होने के लिए 12 वोल्ट चाहिए, तो 12 वोल्ट हमारे सेंसर के थ्रू मिलेगा, तो हमारे सेंसर का जो पॉजिटिव है और जो हमारा आउटपुट वोल्टेज जहाँ पे हमें मिलने वाला है, तो उसके साथ रिले के वायर कनेक्ट कर लेंगे, जो कि 12 वोल्ट के, जो हमारा पॉजिटिव है अभी सेंसर का जो ब्राउन है और बैटरी का रेड है, तो उसके साथ रिले का दूसरा वायर कनेक्ट करना है, जो कि 12 वोल्ट का रहेगा। अभी जैसे ही सेंसर के सामने कुछ आएगा तो हमारा जो रिले है वो ऑन हो जाएगा, तो हमारे जो कनेक्शन किए उससे शॉर्ट सर्किट ना हो, तो इसीलिए हमें उसके ऊपर टेप लगाना है। तो आप अच्छे से टेप लगा दीजिए। आप ऐसा मत समझना कि मैंने बैटरी यूज़ की तो आप भी बैटरी यूज़ करो, आप इसकी जगह अडाप्टर भी यूज़ कर सकते हो। एक वायर चाहिए हमें, और वायर को एक फीमेल पिन चाहिए और एक मेल चाहिए। मेल हमारे बोर्ड में जाएंगी, जो सप्लाई का बोर्ड है वहाँ पे। सप्लाई के दो वायर रहते हैं, उसमें से एक वायर को जो फीमेल पिन है वो कनेक्ट करनी कुछ इस तरह, देख सकते हैं आप। इसे अच्छे से फिटिंग करना है, और जो हमारे रिले के दो वायर्स निकले थे बाहर, जो कि स्विच जैसा है पूरा, उसमें से जो कॉमन वायर थी हमारी, तो कॉमन वायर को एक वायर कनेक्ट, ये पिन जो पिन है वो कनेक्ट करनी है। दोनों को दो पिन कुछ इस तरह देख सकते हैं आप, ऐसे फिटिंग करके पिन में लगाना है आपको कुछ इस तरह, देखिए सेम कुछ इस तरह करना है। और जो एक वायर हमारे सप्लाई की बची है, जो कि बोर्ड से, और जो हमारे रिले की जो एक वायर बची है उन दोनों को कनेक्ट कर देना है। अभी रिले की एक वायर बची है, उसके साथ जो हमारी बोर्ड की
सप्लाई है उसे कनेक्ट करना है और उसे अच्छे से टेप लगाना है, शॉर्ट सर्किट ना हो। तो टेप लगाने के बाद हमारा कुछ इस तरह से रेडियो हो जाएगा, देख सकते हैं। और अभी जो हमारे मोटर पंप का जो कनेक्शन है, जो डीसी सप्लाई 12 वोल्ट का, उसे एक अडप्टर कनेक्ट करना है। देखिए अडप्टर कनेक्ट कर लिया, और जो अडप्टर का इनपुट जो वायर है गाइस, जो कि सीधा हम बोर्ड से कनेक्ट करते हैं, लेकिन हम जो रिले से जो फीमेल पिन कनेक्ट की थी उसे कनेक्ट कर देंगे। ये पिन हमारे टनल में एक एलईडी लाइट की स्ट्रिप लगाई है, तो उसे चलाने के लिए एक 12 वोल्ट का अडप्टर लिया है गाइस। उसे भी कुछ जो हमारी फीमेल पिन थी रिले के साथ निकली, उससे कनेक्ट कर देंगे। और एक बॉक्स चाहिए आपको, जो कि पूरा हमारा सामान है उसमें अडप्टर वो सब कुछ रख देंगे। यूवी सैनिटाइजर बनाया था गाइस मैंने, तो ये बॉक्स उसका ले लिया मैंने। यूवी सैनिटाइजर स्प्रे मशीन कैसे बनाते हैं आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए गाइस, जाके आप देख सकते हैं। और जो मेल फीमेल पिन थी गाइस, वो दोनों को कनेक्ट कर लिया, जो कि अडप्टर की मेल थी और हमारी रिले की फीमेल थी, तो दोनों को कनेक्ट कर लिया है। हमारी जो दोनों 9 वोल्ट की जो बैटरी है गाइस, तो उनकी पहले बैटरी हम कनेक्टर से कनेक्ट कर लेंगे। अगर आपको ये सैनिटाइजर मशीन बनानी है गाइस, तो इसकी भी वीडियो मैंने पहले ही बना के रखी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, तो जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो। आपको बनाने में कुछ प्रॉब्लम आता है तो मेरा नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो देखिए हमारा सेंसर ऑन हो चुका है, जैसे ही सेंसर के सामने कुछ आता है तो सेंसर उसे डिटेक्ट करके जो हमारी बैक लाइट है गाइस, तो हमें सिग्नल देता है कि सेंसर ने कुछ तो डिटेक्ट कर लिया है। तो चलिए इसे टनल में फिटिंग करते हैं। तो इसे टनल में बहुत सोच समझकर फिटिंग करना है आपको। और जो फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है, आपको टनल में कुछ इस तरह फिटिंग करना पड़ेगा कि टनल में आदमी जाता है तो सेंसर ने आदमी को डिटेक्ट करना ही करना गाइस। इस तरह आपको उसकी सेटिंग लगानी पड़ेगी, तभी आपका ये अच्छे से वर्क करेगा। तो देखिए आप ऐसे इसे ऊपर या नीचे, मतलब कौन से भी साइड से इसे फिटिंग कर सकते हो, लेकिन बस फिटिंग ऐसा करना कि सेंसर ने आदमी को डिटेक्ट करना ही करना। मैंने सेंसर को यह फिटिंग किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ऐसा ही फिटिंग करें। आपके हिसाब से जहाँ से सेंसर अच्छा डिटेक्ट कर रहा होगा वहाँ पे फिट करें। तो चलिए हमारा सेटअप कुछ रेडी हो चुका है, पहले सेंसर का डिटेक्ट करता है कि देखते हैं। देखिए गाइस सेंसर डिटेक्ट कर रहा है अच्छे से, बैकलाइट जलती है। टनल में पूरा स्प्रे सिस्टम मैंने फिटिंग किया है, इसकी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप वो वीडियो देख सकते हो। हमारा सेंसर क्यों ऑन हो रहा है गाइस, क्योंकि हमारे सेंसर की पावर ऑन है, मतलब बैटरी से सेंसर को पावर मिल रही है, इसलिए सेंसर ऑन हो चुका है। अभी हमारा पंप ऑन करने के लिए आपको जो हमारा पावर सप्लाई का जो मतलब जो एसी सप्लाई देना है 230 वोल्ट बोर्ड से, तो उसका सप्लाई ऑन करना पड़ेगा, तभी आपका आपके सेंसर ने कुछ डिटेक्ट किया, तभी आपका मशीन ऑन हो सकता है। तो देखिए सप्लाई ऑन हो चुका है हमारा, देख सकते हैं आप। जब तक आप सेंसर के सामने खड़ा रहते हो तब तक आपका ये सिस्टम ऑन रहेगा, जब आप सेंसर के सामने से हट जाते हो तब आपका ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, देख सकते हैं आप बहुत ही परफेक्ट और अच्छा वर्क कर रहा है गाइस ये। आप इसका डिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकते हो, जब तक मेरा हाथ सेंसर के सामने से हटता नहीं तब तक मशीन ऑफ नहीं होती। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिल जाए। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।